कंधमाल जिला टिकावाली रे 5000 लोक निर्भर करुथबा रास्ता समस्या रो होई पारुनी समाधान सुनुनी प्रशासन नाही नथिबा हैरान रो समस्या भोगुचंती ग्रामवासी जहाँ वर्तमान शुणुले जहाँ निर्वाचन प्रतिनिधि जहाँ पंचायत सरपंच जहाँ कहते प्रतिश्रुति दे प्लां लिखुंत कि प्लां प्लां बेटे रोचे और प्रतिश्रुति होकर रोचे आज्ञा देखु देश स्वाधीन 77 वर्ष अतिवाहित हो जाते आमर मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा 25 वर्षर शासन काल मध्य आज भी दुर्गम ग्राम पंचायत गारिडिंगिया ब्लक टिकावाली आज भी आम बहुत जातायातर गमनागमन क्षेत्र आम वंचित अच्छा आम गत काली विधायक महोदय आसते यही विषय आम कही बहु आगुरु आम आज को मानने 1990 मसीह आम मैंने सरकार को बारंबार यही दाबी कर सुधा कौन सी प्रकार आम कर्णपात करना आज पर्यंत एवं अनेक क्षेत्र में यार बहुत दिखाई अभियोग दिखाई आप जो पंचायत सरपंच एक्शन प्लां जो दिखाई पंचायत जीपीडी प्लां से प्लां रखुचना ना ये कौन प्लां दिखाई आज्ञा और विधायक को बहुत बार निज पाखक जाकर व्यक्तिगत भी आम जाटीचु कही भी अभियोग जे महोदय देख प्रतिश्रुति कौन मिली आश्वासन प्रतिश्रुति मिलू किंतु प्रतिश्रुति ता बाटे रही जाउची किंतु काम कोनसी प्रकार आइ पारु ना तांकर प्रतिश्रुति हिसाब रे तबे कंधमाल जिला टिकावाली ब्लॉक अंतर्गत गार्डिग्या ग्राम पंचायत टिकावाली ब्लॉक रो उपांत एवं दुर्गम ग्राम पंचायत एई पंचायत रो मोट 15 टी वार्ड रहितबा बेले 5000 उर्ध आदिवासी दलित एवं अन्यान्य साधारण वर्गर लोक माने बास करछन्ती तबे एई पंचायत रे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहितबा बेले 5 पंचायत उच्च विद्यालय गोटे रही पंचायत को जीवापाई हेले तीनोटी घाटी अतिक्रम करी जीवा को पड़ता है किंतु दुख एवं परितापर विषय अंचलवासी सरकारी सेवा पाइबा 15-17 किलोमीटर गले ब्लॉक कार्यालय तहसील थाना गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र सहित कॉलेज हाट बजार एवं अन्यान्य समस्त सुविधा टिकावाली उपरे निर्भर करती एक घाटी रास्ता दे प्रत्येक दिन शह शह लोक जातायात करती एवं प्रत्येक क्षेत्र रे रास्ता बाधक साजुवा कहते ग्रामवासी मुझे जापुर वार्ड मेम्बर भी थी एक्स वार्ड मेम्बर मुझ मडागुड़ार बहुत थर आम लिखिक जनईचु सरकार आगे या पूर्व भी विडीओ को जनई प्रतिश्रुति तुरंत ये कार्यटी हम बोली किंतु से केवल पार्टी रहीगला अफिस कौटे रहीगला सी कमटा किंतु आम बर्षा दिन रहो कि खरा दिन रहो कि सब बेल तो रास्ता खराब होकर रोचे जहाँफल आमर जे कि पेसेंट मैंने हूँ कि शिक्षक मैंने हूँ ये जावासी आमको बहुत असुविधा हो जिनसटी शीघ्र जदि दाबी पूरण करती सरकार तेल आम चीर उपकृत होबू जदि यम दाबीटा जदि पूरण न करे आगामी आम ब्लक घेराव करूँ कि जिलापा कार्यालय गिरफ्त करूँ एवं जदि कौन प्रतिश्रुति आमको ठीक ठाक न दिखती तेल आम भोट बर्जन करवाक आज्ञा नमस्कार मुंजाव रोडी वार्ड रहा मंगला ग्रुप एस एच जी माँ मंगला ग्रुप रहा कहूँ आउ रास्ता जदि यहाँ 15 दिन भितर करदेव ना कहले आम बुट बर्जन करूँ आउ बिजेड को बिजेपी क्या बेदिया हेनी आमर मेडिकल केते हैरान आमर टिकावाल ब्लॉक को जिबाकु हैरान होची मेडिकल जिबाकु हैरान होची मोर सब ब्लॉक ये आउ ये आरआई टू सब तहसील पाखक सब आमर ए गोटे रास्ता जदि करदेव ना कहले आम किसी बुट बर्जन आका करूँ आम क्या बुट देवुना बुट पाई बे किए आईबु ना आम ए गार्डिंग पंचायत किए बे गोड़ माड़ी पारना आम करूँ एट हम ना कहले किए ये पटे आसी पारना परिचय कह कौन कह कहीं समस्त ठिया मो ना आलपन प्रधान गारिडी ग्राम पंचायत समिति सभ्य कौन कहे आज आम जो बारसठ घाटी रास्ता जो असुविधा हो जीवास टिकाल जीवा भयंकर असुविधा जो रास्तार अवस्था आप देखुं से विषय आम सरकार को जनवाई ठिया आपड़ जड़े समिति सभ्य ये समितर बैठक हुए समिति जो मीट हुए कौन कौन प्रतिश्रुति देखते कौन दाबी रखुच्छे दाबी रखा हम बोली कहते करूना दुख लगुच कौन कर चाहते आगामी दिन में आगामी दिन 15 दिन भर नक आम जा ब्लक घेरा कर अनशन कर।
ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କହିବେ। ମୋର ନାମ ଦେବହରି ନାୟକ, ଗାରିଡିଙ୍ଗିଆ ବାସିନ୍ଦା, 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସଭ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ରାସ୍ତା ଆଉ କରିକିରି ଝା କଲେକ୍ଟର ଥିଲା ବେଳକୁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଏମଏଲଏଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏଇଟା ଛଡ଼ା ଆମର କୌଣସି ଆଉ ଟିକାବାଲି କିମ୍ବା ଉଦୟଗିରି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେବେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି କି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଝା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିଲା। ସେ କଂକ୍ରିଟ ହେବ ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପିଚୁ କରାହେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବି ନିଜେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ଅମଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କାମ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଟିକାବାଲିରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।